गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि वाइफ का हो चुका है तबीयत ख़राब, हाथ जो है वो और भी सूज गया है। तो अभी मेरा तो उसने काफ़ी ख्याल रखा जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो अभी मेरा भी फ़र्ज बनता है ना कि मैं भी उसका ख्याल रखूँ। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं उसके लिए चाय बना करके। और चाय मुझे हल्का फुल्का बनाने आता है, अभी कितना टेस्टी बनेगा वो तो मुझे नहीं पता, वो तो वही बता पाएगी। ऑब्वियसली उसके जैसा टेस्टी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा वो तो मुझे, मेरा कोई गारंटी नहीं है। बट फिर भी देखते हैं, अगर टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ उसके तरफ से मिल पाए तो शायद उसके जितना टेस्टी चाय बना पाए। आइए पूछते हैं। भाई आपका तो हाथ जो है वो डैमेज हो चुका है, तो अभी जो है थोड़ा हमें मेरा हेल्प करेंगे कि चाय जो है वो कितना डालना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है? आज आपके हाथों का चाय पीएंगे। मेरे हाथों का चाय पीएंगे? कुछ भी हेल्प नहीं? नहीं। ओ तो जैसा कि आपने देखा कि वाइफ ने मना कर दिया है और मुझे और भी मुश्किल में डाला है, तो चलिए कोई नहीं, ट्राई करते हैं। क्या है, इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आइए। तो जहाँ तक मुझे पता है कि चाय बनाने के लिए अगर एक कप चाय बनाना है तो मैं इस ग्लास का यूज करता हूँ चाय बनाने के लिए, मतलब क्वांटिटी मेजर करने के लिए। अगर एक बनाना है तो थोड़ा, एक से थोड़ा कम मैंने दूध लिया। अब इसमें थोड़ा पानी मिला देंगे। और एक गिलास और पानी। बोल रहे हैं कि आगे किसने पूछना, देखो ये डाल दिया पानी। अभी चीनी, चाय पत्ती ये डालना है। चीनी मैं डालता हूँ इसमें, जो कि दोनों का मेजरमेंट मिलाकर के दो है, तो इसलिए दो चम्मच चीनी। और चाय पत्ती जो है ला, इसमें तो चम्मच ही नहीं है। और क्या किचन में हमको भेज दिया है और कुछ पता ही नहीं है कि भाई चाय पत्ती का ये कहाँ है, इधर भी कुछ पत्ती है। अच्छा अच्छा, इधर चम्मच इधर था। किचन में ज़्यादा यूज करता नहीं हूँ बनाने के लिए, इसलिए मुझे पता नहीं है। अभी चाय पत्ती जो है वो एक चम्मच और थोड़ा सा, क्योंकि उसको कड़क पीना पसंद है चाय, तो ये मैंने डाल दिया चीनी और चाय पत्ती। अभी मेरा एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैं यूज करता हूँ अदरक, क्योंकि अदरक काफ़ी हेल्दी भी होता है और चाय के साथ आप पियो तो काफ़ी आपको हेल्दी बेनिफिट्स भी देता है। अदरक और भी ज़्यादा ही क्वांटिटी में डाल देते हैं। और अब हम चढ़ाते हैं चाय को, गैस जलानी आती है। तो ये चाय का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है चाय बनाना। अभी देखते हैं, चाय बनाना डिफिकल्ट नहीं है, चाय बनाना काफ़ी आसान है। और ऑब्वियसली टेस्ट कैसा होगा उस पर डिपेंड करता है, वो तो डिपेंड करता है कि उसको किस तरह से उसको बॉईल करते हो, कितना देर उसको बॉईल करते हो। मेन फ्लेवर और रिचनेस तो उसी ज़्यादा है, बिकॉज आजकल तो जो चाय पत्ती होते हैं उसमें ही सारे कुछ मिक्स होते हैं जो कि चाय को काफ़ी टेस्टी बना देते हैं। तो अभी मेन तो रोल इसी पर डिपेंड है, इसी पर अभी मतलब निर्भर है कि भाई आप चाय को कितना बॉईल करते हो और कितना देर तक बॉईल करते हो। तो चाय को बॉईल करते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ ये देखने के लिए कि चाय हमने कैसा बनाया और वाइफ को कैसा लगा। ये चाय हमारी खोलना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा कम कर देते हैं, पता नहीं उबल के बाहर ना आ जाए। लेकिन चाय जल्दी बनाने के लिए जल्दी इसको ये करना पड़ेगा, बट ये उबल के ऊपर उठ करके बाहर ना आ जाए। अरे भाई कम हो जा। चलिए ये तो चाय थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं ताकि ये जो
ऊपर की तरफ आ रहा है वो चीज ना आए। चाय का बड़ी प्यारी दिख रही है अभी, पता नहीं और भी इसको बॉईल करेंगे तो धीरे धीरे और भी इसका कलर आ जाएगा और उसके बाद सर्व करेंगे, देखते हैं वाइफ कितनी खुश होती है या फिर नहीं होती। ऐसे बुराई तो नहीं करेगी क्योंकि भाई ऐसा हम लोग करते नहीं हैं। आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन स्टिल मैं सच्चाई जानना चाहूँगा कि भाई चाय कैसी बनी है, सच में कैसी बनी है, वो प्यार वाला तारीफ नहीं है कि नहीं, आप भी वही जानना चाहेंगे। तो ये चाय तो हो चुकी है तैयार, देखिए और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है, पता नहीं आपको आ रही है कि नहीं आ रही है कैसे आएगी वीडियो में आप तो अभी चाय को इसमें डालते हैं कप में और लेके चलते हैं अपनी वाइफ के पास, देखते हैं कैसा टेस्ट कैसा एक्सप्रेशन देती है। आइए चलते हैं चाय लेकर के। कैसा बना है अभी तो टेस्ट जो है बताएगी, आइए चलते हैं। तो ये हो गया आपका चाय रेडी, देखिए कैसा बना है। तो चाय बन चुका है टेस्टी, जो कि तारीफ भी मिल चुका जो आपने देखा, मैं भी खुश हो गया कि चलो ठीक है चाय तो मैंने अच्छा बना लिया, अब बारी है नाश्ता बनाने की, उसके बाद है घर के बाकी सारे काम। अभी क्या करें भाई, वाइफ का तबीयत ख़राब हो चुका है तो जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, तो अभी करते हैं घर का काम और आपको भी बताते हैं कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस घर का इतना सारा काम करने में। अभी उसके बाद फिर लंच पे मिलेंगे, जब लंच बनाएंगे। ब्रेकफास्ट में तो सोच रहा हूँ कि क्या बना सकता हूँ, मैगी बना देता हूँ, सबसे बेस्ट है क्योंकि मैगी बनाना बड़ा आसान है, वो मुझे आता भी है, तो मैगी बना देते हैं, सबको ब्रेकफास्ट करवा देते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं लंच बनाने के समय में, क्योंकि उस समय मैं बनाऊंगा चिकन। कल जो चिकन पास्ता के लिए मैंने चिकन ख़रीदा था तो उसी समय वक्त मैंने चिकन जो है वो ख़रीद लिया था एक्स्ट्रा, तो कल रात में ही वाइफ ने चिकन को मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया है, अभी बनाना मुझे है, तो बनाते हैं और आपको भी बताते हैं कि चिकन कैसा बन रहा है। ऑब्वियसली चिकन बनाना मुझे बिल्कुल नहीं आता है, वाइफ उस समय 100% उसको रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप आओ डायरेक्ट करो तभी बनेगा चिकन, नहीं तो भाई चिकन नहीं बनेगा, फिर बाहर से खाना करूँगा ऑर्डर और आराम से करेंगे पार्टी। तो अभी देखते हैं वाइफ चिकन बनाने में हेल्प करती है कि नहीं करती है और आपको भी दिखाते हैं, चलिए मिलते हैं कुछ बनाने के टाइम।